आज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात भी पाही। ये बात तुलसीदास जी लिखते हैं जब हनुमान जी को उनके बड़ा बलवान होने का एहसास दिलाया जाता है कि आपके लिए कौन सा काज मुश्किल है। और देखिए जहां मैं समय हूं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं हनुमान रथ जो किष्किंधा से खास तौर पर यहां पर लाया गया है, क्योंकि यहां प्रभु राम आ रहे हैं, रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को, तो भला हनुमान जी पीछे कैसे रह सकते हैं। और किष्किंधा से खास मौके पर ये प्रतीक के रूप में इस रथ को यहाँ पर लाया गया है। और साथ ही ये बात यहाँ बताई गई है रथ के साथ जो स्वामी जी चल रहे हैं कि किष्किंधा में भी एक भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। तो अयोध्या का हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की हर तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अयोध्या में नगर द्वार गली चौराहे सजे हुए हैं वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और जो मंदिर निर्माण को लेकर तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्सव का ये मौका है और इसीलिए हर कोई यहाँ पर आनंदित है। तमाम जो यहाँ पर एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो हर तरफ यहाँ पर चहलकदमी देखने को मिल रही है, और खास तौर पर जो ये रथ यहाँ पर लाया गया है उसको देखने के लिए तो लोगों में एक अलग ही कौतूहल भी बना हुआ है। हमारे साथ एक महिला है, आप कहाँ से है? जी मैं नवाबगंज से हूँ, मैं अयोध्या से हूँ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान सिंह है। मुस्कान, अयोध्या का जो ये कायाकल्प हुआ है, बदली हुई अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी लग रही है, और हम ये बहुत ही परम सौभाग्य है हमारा जो 500 वर्ष बाद ये हमें देखने को मिल रहा है ये भव्य नजारा, और हमें इतनी खुशी है कि हम किसी को एक बार नहीं मिलती, हमें दो दो बार दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। और हम बहुत ही, हमारे आंखों में वो चमक है कि हम अपने प्रभु श्री राम को यहाँ विराजमान होते देखना चाहते हैं, इस भव्य मंदिर में वो आए और हम लोग उनकी स्वागत के लिए एक बार फिर से दिवाली मनाना चाहेंगे। अच्छा, क्या कभी ये उम्मीद की थी, परिवार में इस तरह की बातें होती रही होंगी, क्या कभी कल्पना थी कि ऐसा हो पाएगा, ये संभव हो पाएगा? पहले तो नहीं थी, लेकिन जब योगी जी और मोदी जी आए तो कुछ आस जगी कि हाँ अब ऐसा कुछ हो सकता है, और अब एकदम मतलब ऐसा हो गया है, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि हाँ इतना भव्य मंदिर, ये राम भगवान का मंदिर ये मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से आ गया, हो गया है। 22 तारीख के लिए क्या खास तैयारियां हैं? 22 तारीख के लिए हम लोग एक बार दिवाली मनाते हैं, 22 तारीख को हम लोग फिर से दिवाली मनाएंगे, दीप जलाएंगे, दीप उत्सव होगा, हम लोग अपने घरों में दीप जलाएंगे और खुशियां मनाएंगे, गाना गाएंगे, सोहर गाएंगे, यही सब करेंगे। कोई सोहर याद है अभी? नहीं, फिलहाल एक तो याद है जो मैं मोदी जी और योगी जी के लिए कहना चाहूँ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा देंगे, मेरे राम कृपा करना, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। तो अयोध्या सजी हुई है। कहाँ से आप आगे आइए जी, कहाँ से आए आप? बाराबंकी जिला। बाराबंकी से आए हैं जी, क्या देखने आए? यहाँ राम जन्मभूमि का मंदिर देखने आए मैम जी। और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जी, फिर क्या लग रहा है? इसमें देश की उन्नति होगी। हाँ। जब राम आ जाएंगे तो बहुत भारत का भाग्य जाग जाएगा। अभी भाग्य जगह नहीं हुआ है, मतलब नरेंद्र मोदी है तो और सब कुछ तो है, बस बस मथुरा भी बन जाए, काशी भी बन जाए, बस और क्या चाहिए। अच्छा, अयोध्या का ऐसा कायाकल्प हो जाएगा, अयोध्या बदल जाएगी, क्या उम्मीद थी? जी मैम, उम्मीद तो नहीं थी, मगर मोदी जी के आने से हो गई उम्मीद। हम तो लमसम 15 साल से आते हैं, एक समय था यहाँ कंकड़ बिछे रहते थे, तब हम लोग जाते थे जन्मभूमि दर्शन करने, और आज के तो बात ही अलग है। अच्छा। यहाँ पर एक और महिला हमारे साथ है, इधर आइए आप, इधर आइए आप। अयोध्या से कहाँ से? अयोध्या से ही है जी। अयोध्या को तो आपने देखा होगा पहले, कैसी थी अब कैसी है? बहुत अच्छी अब हो गई भाई, जब से मोदी योगी आए बहुत अच्छा हो गया है, जो राम को लाए उनको तो लाएंगे ही। बेटा आप आगे आओ, क्या नाम है आपका? नित्या जायसवाल। कौन सी क्लास में हो आप? फिफ्थ। कोई भजन आता है आपको? नाच रहे हनुमान राम गुन गा गा के, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे सुबह सुबह और शाम राम गुन गा गा के। थैंक यू। तो
देखा आपने किस तरीके से हर कोई सिर्फ राम धुन में इस समय मगन है, क्योंकि राम का ही नाम है जो आपको ताद लेता है, आपकी जो जीवन रूपी नैया है उसके सफर को आसान कर लेता है। तो अगर हम बात करें राम मंदिर के निर्माण की, हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज कुछ और नई तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से अब जो नई तस्वीरें हैं वो क्या कह रही हैं। तो अयोध्या सजी हुई है, सवरी हुई है, रामलला आ रहे हैं और रामलला के आने का बेसब्री से इंतजार तो हर कोई कर रहा है। एक अम्मा जी भी हमारे सामने हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अम्मा जी आगे आइए जरा। देखिए आपने ये देखा होगा पहले भी कि जब हम घर में टीवी में रामायण देखते थे तो जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी वो रामायण में प्रभु राम को देखते ही अपना सिर आदर से झुका लिया करती थी, हाथ जोड़ लिया करती थी। अब एक बेहद बुजुर्ग महिला, अम्मा जी जय सिया राम। जय सिया राम। अम्मा जी अयोध्या में ही रहती हैं आप? नहीं, अयोध्या में नहीं रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं बस्ती में। अच्छा, बस्ती से आई हैं? हाँ। किस लिए आई हैं? नहान के लिए आए हैं, ये राम मंदिर में आए हैं भगवान के लिए, रामचंद्र जी के लिए। दर्शन किए? दर्शन किए हम लोग। अच्छा, अब रामलला ठाट से अपने मंदिर में बैठेंगे? बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। मोदी जोगी अच्छा कर दिया। पहले अयोध्या जी आई थी? नहीं नहीं, हम बार बार आते हैं। तो आपने देखा कि मतलब कैसा बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है, बहुत जनता लिए बहुत आराम है। हाँ, आराम से दर्शन हो गए? हो गए आराम से। तो बड़ा सा मंदिर बन रहा है? बड़ा सा बन रहा है जी। हाँ। तो क्या तैयारी करेंगे आप 22 तारीख को? 22 तारीख को जाएंगे, दर्शन करेंगे और क्या करेंगे, और जौन शक्ति पूरेगा तो होगा और क्या। पहले टीवी में देखकर राम जी को हम सर झुकाते थे, अब मंदिर में देखेंगे? हाँ, मंदिर में तो अच्छा है। देखिए ये ऐसा भाव है कि जो यहाँ पर हर श्रद्धालु के, हर राम भक्त के मन में उमड़ रहा है और वो जुबा पर भी आ रहा है। अयोध्या की हर तस्वीर आप तक दिखाने के लिए, पहुंचाने के लिए हमारे तमाम अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। केबी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी केबी, अयोध्या तो बिल्कुल ही बदल गई है, एक हफ्ते हर दिन ऐसा लग रहा है कि आज कुछ नया बदलाव हुआ है, आज कहीं और आ गए हैं। देखिए 22 तारीख को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, ऐसे में सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व राम अयोध्या, जहाँ विश्व में राम को मानने वाले हैं वहाँ पूरा राम अयोध्या। तो अयोध्या की तो बात ही अलग है, 22 तारीख को जब भगवान रामलला अपने घर में विराजमान होंगे तो एक उत्सव का माहौल होगा। हालांकि अनुष्ठान शुरू हो चुका है, तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं माता जी, हम उनसे कोशिश करते हैं। माता जी आप कहाँ से आई हैं? अयोध्या से। क्या लग रहा है, भगवान राम अपने घर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं 22 तारीख को। अयोध्या पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई है? पहले की अपेक्षा बहुत बहुत ही ज्यादा हो गया है सुधार यहाँ पे। तो जिस तरह से अयोध्या में बदलाव हुआ है तो उसका देखा जा रहा है कि हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? जी सर बोलो। क्या दीदी क्या हुआ, कहाँ से आई हैं? फिलहाल कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो थोड़ा अटकती हैं बोलने में, तो हम और कोशिश करते हैं। दीदी एक जत्था जा रहा है श्रद्धालु का, उसे बात करने कोशिश करती है। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? हम लोग सूरत से आए हैं। क्या कहेंगी, भगवान राम अपने घर आ रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है भगवान के दर्शन करने के लिए। क्या कहेंगी आप? भगवान की असीम कृपा हुई तब हम अयोध्या नगरी आए हैं पूरा परिवार के साथ, पूरा फैमिली के साथ आए। राजस्थान से आए हैं, नागौर जिले से, तो हमारी बहुत ही हार्दिक इच्छा थी कि भगवान का दर्शन करें। अरे वाह, रामलला अपने घर आ रहे हैं? हाँ, रामलला। तो जाहिर तौर पर हर कोई यहाँ पर खुशी में है, जोश में है और झूम रहा है, क्योंकि उत्सव का तो ये मौका है ही। और राम की पैड़ी पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने अवसान मैया की पूजा भी की, यहाँ पर महिलाएं झूमी भी, संगीत भी गाए हैं, और क्योंकि हर कोई झूम रहा है क्योंकि सभी के रामलला भी आ रहे हैं। लेकिन पहले तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ राम की पैड़ी पर महिलाओं ने अवसान मैया की पूजा की और भजन कीर्तन भी किया। भर रही है औसान मैया, हाथ में चूड़िया औसान मैया लिए, हाथ में चूड़िया सुहा
पर अफसान मैया की पूजा कर रही है। पूरा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पूरा जोश है। और आप देख सकते हैं कैमरामैन सोनू मंडल अगर दिखाएं, जहां तक नजर जा रही है दूर दूर तक यहाँ पर महिलाएं अयोध्या की माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जो पूजन कर रही हैं। मैडम भी हमारे साथ है। मैडम किस तरीके से पूजन चल रहा है, भजन गा रही हैं आप? हम लोग अवसान मैया की पूजा कर रहे हैं और इस बहुत सब खुश हैं और भजन गा रहे हैं। कौन सा भजन सुना रही हैं? गाइए मैं है राम मेरे तन में, है राम मेरे मन में, है राम मेरे तन में, है राम रोम रोम में समाया तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, रोम रोम में समाया तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। कितनी खुशी हो रही है मैडम आपको, ये सपना साकार हो रहा है? हम लोग की खुशी में इतने है कि शब्द नहीं है, इससे उसे कह रहे रामलला हमारे आ रहे हैं, हमारे अपने मंदिर में विराजमान हो रहे, इससे ज्यादा खुशी की कोई और बात ही नहीं है, ना कुछ कुछ है हम लोग के, मतलब इससे आगे शब्द ही खत्म हो गए हैं खुशी के। इतना हम लोग सौभाग्यशाली इस गवाह के साक्षी बनेंगे कि रामलला हम लोग के सामने विराजमान अपने उसमें। देखिए तो बता रहे हैं कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है उस पल के साक्षी बनेंगे, क्या कह रही है मैडम आप? इस पूजा में जो सम्मिलित हुए 2100 महिलाएं सम्मिलित हुई हैं, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। बहुत सारी महिलाएं टीवी पर और हर जगह देख रही होंगी, सब साक्षी नहीं हो सकते हैं। ये पल हम जी रहे हैं, हमारे लिए इतना सौभाग्य, इतना खुशी की बात है जिसको कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये बता रही है कि बयान नहीं कर सकते। देखिए मैडम भी यहाँ पर है। माता जी क्या भजन भजन सुना रही हैं आप? हाँ, हम लोग यहाँ अवसान मैया का पूजा कर रहे हैं और भजन भी सुना रहे हैं सब लोगों को। जो है क्या भजन सुनाएंगी तमाम दर्शकों को? मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, ए राम आएंगे, राम आएंगे। और हम लोग अवसान मैया की पूजा कर रहे हैं। अवसान मैया के भी कैसे होती है ये पूजा? ये पूजा हमेशा होती है और शादी विवाहों में, शादी के पहले भी होती है, शादी के बाद भी किया जाता है और हम लोग हमेशा करते हैं। आज सभी महिलाएं यहाँ पर जुट करके एकत्रित होकर राम जी के आने की खुशी में ये पूजा कर रहे हैं। तो राम जी के आने की खुशी में यहाँ पर पूजा हो रही है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पर 15-15 के ग्रुप में बैठी हुई हैं और ये यहाँ पर पूजन कर रही हैं, भजन गा रही हैं। और जब खुशी का मौका होता है तब यहाँ पर ये पूजन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अयोध्या में सिर्फ जश्न ही नहीं हो रहा, उल्लास ही नहीं है, बल्कि हर कोई अपने आप को धन्य पा रहा है इस मौके के साक्षी बनने के लिए, इस पल के साक्षी बनने के लिए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, राम की पैड़ी, अयोध्या। तो पूरा देश राममय हो चुका है, हर जगह सिर्फ राम नाम की धुन ही सुनाई दे रही है, हर कोई राम धुन में मगन है। यहाँ तक कि जो अयोध्या विमान आया है बेंगलुरु से, विमान बेंगलुरु से आया है, उसमें भी तमाम जो यात्री थे वो झूमते हुए राम नाम जपते हुए भजन गाते हुए ही पहुंचे हैं। दिखाते हैं वो तस्वीरें भी आपको। तो राममय हुई है पूरी अयोध्या हर तरफ, जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया, हर कोई राम के नाम का यहाँ पर गुणगान करता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि देखिए जीवन के पहले संस्कार से लेकर आखिरी संस्कार तक प्रभु राम के नाम का ही सहारा सनातनियों को रहता है। और अब हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह से संत समाज के जो लोग हैं, जो कविवर हैं, वो किस तरह से राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम, दिल से है स्वागतम, प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम। की शुरुआत मैं विष्णुदास जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए 500 सालों की वो प्रतीक्षा खत्म हो रही है। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोका, 500 वर्षों के बाद भगवान अब टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं।
जो अयोध्या रंग बिरंगों से राममय सजावट है, जहां मठ मंदिरों में देखा जाए कीर्तन हो रहे, राम का धुन हो रहा है, यही तो रामराज है। मगर एक बहुत हमको आत्मा दुखी हो रही है कि राम मंदिर बन रहा है तो विरोधी तैयार हो रहे हैं, और जिनको नौता मिला वो कह रहे हमको नहीं जाना चाहिए, जो बुलाएंगे राम जी तब आएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, राष्ट्र का कार्यक्रम है। तो देखिए, हर कोई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता से इंतजार कर रहा है, लेकिन जो बाल महंत हैं उनके मन में क्या विचार है इस कार्यक्रम को लेकर, वो जाना हमारे सहयोगी आस्था कौशिक ने, सुनिए खास बातचीत। 12 साल के महंत सूरत दास जी हमारे साथ हैं, न्यूज 18 पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत सूरत दास जी न्यूज 18 पर। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका नाम ही सूरज दास है, सूरज की लालिमा में इस वक्त आप नजर भी आ रहे हैं, और पूरी अयोध्या इस वक्त राममय है, हनुमानमय है, आसपास भजन चल रहे हैं। सबसे पहले कोई स्तुति, प्राण प्रतिष्ठा और संतों की भावनाओं को लेकर अगर आप सुनवा पाएंगे, और ढेर सारी बातें होंगी उसके बाद। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिराम, तन घन श्याम, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनुमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कर दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कई विधि करूं अनंत। ये स्तुति जो आपने हमें सुनाई है, और जैसे ही इनके बोल शुरू होते हैं, आप देखिए इनको सुनने के लिए, इनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए लोग खुद ही यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े आराम से बैठ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है छोटे बच्चे के मुंह से जब आप स्तुति सुनते हैं, और खास तौर पर तब जबकि वो खुद महंत है। आप ये बताइए, आज पूरी अयोध्या राममय है, आपकी इतनी कम वर्ष की आयु में आप बारह साल के महंत सूरत दास जी हमारे साथ हैं, न्यूज 18 पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत सूरत दास जी न्यूज 18 पर। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका नाम ही सूरज दास है, सूरज की लालिमा में इस वक्त आप नजर भी आ रहे हैं, और पूरी अयोध्या इस वक्त राममय है, हनुमानमय है, आसपास भजन चल रहे हैं। सबसे पहले कोई स्तुति, प्राण प्रतिष्ठा और संतों की भावनाओं को लेकर अगर आप सुनवा पाएंगे, और ढेर सारी बातें होंगी उसके बाद। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिराम, तन घन श्याम, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनुमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कर दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कई विधि करूं अनंत। ये स्तुति जो आपने हमें सुनाई है, और जैसे ही इनके बोल शुरू होते हैं, आप देखिए इनको सुनने के लिए, इनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए लोग खुद ही यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े आराम से बैठ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है छोटे बच्चे के मुंह से जब आप स्तुति सुनते हैं, और खास तौर पर तब जबकि वो खुद महंत है। आप ये बताइए, आज पूरी अयोध्या राममय है। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जी हाँ, अयोध्या में कुछ ऐसा ही दिख रहा है, हर कोई हर्षोल्लास से झूम रहा है और 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। हम भी यहाँ अयोध्या जी में हैं, आप तक अयोध्या जी का हर एक रंग पहुंचाने के लिए, हर एक तस्वीर पहुंचाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।